गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम रेजोनेंस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। एशियन स्कूल की तरफ से ये रिप्रेजेंट की जा रही है और स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपके समझ में भी आ रहा होगा। कोई डाउट होता है तो आप मेरे को लिख सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस अलॉट कर पाए। देखिए, हमने बहुत तरह से स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे। रेजोनेंस का मीनिंग क्या है? किसी एक मॉलिक्यूल का हम अगर कई तरह से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल का, और उसमें नंबर ऑफ एटम सेम हो, दैट विल बी कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सपोज कीजिए हम एक मॉलिक्यूल आपको दे रहे हैं HNO2 का। मैं फिर से बता दूं, कोई एक मॉलिक्यूल है, उसके अगर एक से ज्यादा तरह से स्ट्रक्चर बन सकते हैं तो दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द फिनोमेना इन विच एनी मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके, वो अलग अलग हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज हो सकते हैं। पहले हम इस स्ट्रक्चर को आपको बनाने का कांसेप्ट बताते हैं। हमारा सेंट्रल एटम है N, हम N को बनाते हैं और N के बाद हम दो तरफ O बनाते हैं और O के बाद हम H बनाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि H में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, O में डबल, दो बॉन्ड होने चाहिए थे, एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड और लगा दिया और ये हमने एक डबल बॉन्ड कर दिया, ये HNO2 का स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम HNO2 का कोई और स्ट्रक्चर बना पाए तो वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाएगा। कोई मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर बनते हैं, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। जब एक पाई बॉन्ड है तो ये पेयर जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पाई इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिए आप, हमने ये एन बना दिया, ये ओ बना दिया, ये ओ बना दिया और एच बना दिया, ये बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। ये HNO2 का दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें हमने जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज किया है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज किया है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बताते हैं। अगर आप CO का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, CO का पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 का शेयर किया है, कार्बन का ये एक स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें अभी कार्बन के बॉन्ड हम सफिशिएंट नहीं है तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको देता है, यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर ये होता है सी, और बीच में 3 पेयर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये है, इसमें कैसे किया, जो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन है ये बीच में रख दिया गया और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहे। इसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रखा है तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। और अगर हम इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम बीच में रखें और ऑक्सीजन वाले को वहीं रखें, तो हम बनाएंगे सी ओ और बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर 3 बन सकते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था
पहले इसमें अपना इलेक्ट्रॉन था, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर इसमें देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, डीलोकलाइज्ड हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया, उसके अकॉर्डिंग चार्ज आया। तीसरे स्ट्रक्चर में कार्बन का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। और कंडीशन क्या होती है, जितने एटम होंगे एटम उतने ही होने चाहिए। यहाँ पे कार्बन एक था, ऑक्सीजन एक है, इसमें भी कार्बन एक होना चाहिए, ऑक्सीजन एक होना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन की पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग जो हमने ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ये स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोकेशन में, एच की लोकेशन में चेंज आया है, एटम की लोकेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले क्यों बताया, इसीलिए बताया कि अब आप समझ पाएंगे कि इसमें इसमें क्या डिफरेंस है। ये दो स्ट्रक्चर तो इसके पॉसिबल हैं, लेकिन ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, इसीलिए मैंने बीच में एरो नहीं बनाया इसमें। आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आए। HNO2 के ये दो स्ट्रक्चर में हम इसको रेजोनेटिंग ना बोल करके इनको हम टाटोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाटोमर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में रिवर्स एरो का यूज किया जाता है, तो हम ऊपर वाला इसको रब करते हैं। स्टूडेंट, HNO2 का स्ट्रक्चर अगर आप दो बनाते हैं वो रेजोनेटिंग नहीं बनेंगे। ये हमने आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के तीन स्ट्रक्चर बनाए। अब आप देखिए, मैं ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, लोकेशन नहीं चेंज होगी एटम की, चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में सेम होना चाहिए। ये ओजोन है, तीन मॉलिक्यूल हैं, तीन एटम हैं, इस पे हमने दो का शेयर किया है और इधर हमने एक का शेयर किया है, इस पे एक निगेटिव चार्ज है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओजोन का एक स्ट्रक्चर ये है, एटम इसको अगर हम फर्स्ट ऑक्सीजन माने, सेकेंड ऑक्सीजन माने, थर्ड ऑक्सीजन माने, तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में बांड चाहिए आपको, कितने बांड होने चाहिए थे आपके, दो, यहाँ पे नहीं हो पाए। इसी तरह से अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाए, आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड लिया है और थर्ड वाले पे सिंगल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज, तो हम इस बॉन्ड को शिफ्ट करें यहाँ, तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर हम सिंगल करें और इधर डबल करें, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये दोनों ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट देखिए, अब NO के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। NO नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, N में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और O में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर N अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख देता है, ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है, और O की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता, तो N पे पॉजिटिव और O पे निगेटिव चार्ज आ गया। फिर अगर हम ये पहला स्ट्रक्चर हुआ, ये O का इलेक्ट्रॉन पेयर हम अगर यहाँ रख दें, तो यहाँ पे जैसे अभी N पे पॉजिटिव आया था, O पे निगेटिव आया था, तो O पे पॉजिटिव आएगा, N पे निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और नया स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए, अगर O एक इलेक्ट्रॉन N को दे देता है, O एक इलेक्ट्रॉन N को दे देता है, तो N में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और लेने की वजह से यहाँ निगेटिव चार्ज, बीच में डबल बॉन्ड और O पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। NO के ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जो NO के स्ट्रक्चर होंगे या किसी भी मॉलिक्यूल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे,
उनका सबका मिक्सचर, कुछ पोर्शन इसका, कुछ पोर्शन इसका और कुछ पोर्शन इसका लेकर के एक मॉलिक्यूल बनाया जाएगा, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मिक्सअप ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन लिटिल कंटेंट। थोड़ा परसेंटेज इसका लिया जाएगा, थोड़ा परसेंटेज इसका लिया जाएगा, थोड़ा परसेंटेज इसका लिया जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की कंडीशंस क्या है उसको आप समझ लें, जिससे कि कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके गलत ना हो। पहला कंडीशन कि नंबर ऑफ आइटम की जो लोकेशन है वही होनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने नाइट्रस एसिड वाले केस में बताई थी आपको। दूसरा केस, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए, बॉन्ड और मिलाकर के सारे इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए हर मॉलिक्यूल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इलेक्ट्रॉन सारे इक्वल होना चाहिए, एटम्स की लोकेशन इक्वल होनी चाहिए, सेम पोजीशन होनी चाहिए, चार्जेस बराबर होने चाहिए। इसमें देखिए प्लस वन माइनस वन चार्ज यानी जीरो चार्ज, इसमें ऑलरेडी जीरो चार्ज और इसमें प्लस और माइनस जीरो चार्ज। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, कौन सा स्ट्रक्चर सबसे अच्छा माना जाएगा। निगेटिव चार्ज शुड बी एट हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी एट लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इसमें देखिए O जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, O पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, N कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये स्ट्रक्चर सही है। निगेटिव चार्ज शुड बी एट हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी एट लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इधर वाले स्ट्रक्चर में देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव पे आ रहा है, जो कि रेजोनेंस की कंडीशन के अपोजिट जा रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में नहीं होगा या बहुत कम होगा। मीन्स जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो इसका पोर्शन ज्यादा होगा, इसका पोर्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस पे जो है चार्ज यहाँ पे निगेटिव आना चाहिए, ऑक्सीजन पे वहां पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका पार्ट बहुत कम लिया जाएगा। सब मॉलिक्यूल एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इसी के अकॉर्डिंग हम रेजोनेंस एनर्जी भी फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम स्टूडेंट्स आपको सल्फेट आयन का बनाने जा रहे हैं, SO4 double negative, ये S बनाएंगे, 4 O बनाएंगे, O पे 2 bonds की requirement है, 2 का sharing करता है, लेकिन 2 negative charge है, तो हम किसी 2 oxygen पे negative charge देंगे, तो ये हमारे 2 single bond से share करेंगे, बाकी 2 oxygen double bond से करेंगे, या कोऑर्डिनेट आप करना चाहें कोऑर्डिनेट बना लें। आप देख रहे हैं कि ये दोनों ऑक्सीजन पे निगेटिव लिया है, इन दोनों पे डबल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नेक्स्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या पॉसिबिलिटी करेंगे, यहाँ निगेटिव करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे, यहाँ निगेटिव करेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। पहले कहाँ था डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे, अब की बार यहाँ पे और यहाँ पे किया, यहाँ एक और बना सकते हैं आप, ये हमने एस ले लिया, ये ओ है, और ये हमने इधर डबल बॉन्ड कर दिया, इधर डबल बॉन्ड कर दिया, ओ निगेटिव एंड ओ निगेटिव। क्या है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चेंज हो रही है, सब में चार्ज बराबर है, अभी और भी बन सकते हैं, तो ये है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखिए, तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। पहले मैं एक स्ट्रक्चर
बनाऊंगा रेजोनेंस मालिक्यूल का रेजोनेटिंग एनओ थ्री का एनओ थ्री निगेटिव। ये एक एन का ये ओ बनाया डबल बांड से ओ से और कोऑर्डिनेट बांड ओ और सिंगल बांड ओ निगेटिव। ये एनओ थ्री निगेटिव नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बांड होगा, यहाँ से हटेगा यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा एन डबल बांड ओ कोऑर्डिनेट बांड ओ और ये ओ निगेटिव। इसी तरह से तीसरा आप यू बना सकते हैं एन डबल बांड ओ कोऑर्डिनेट बांड ओ एंड ओ निगेटिव। नाइट्रेट आयन के ये थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इन सब का मैशअप करें तो हमारा क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सअप होता है और उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको बताया कि इसे इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है और इसकी एनर्जी अलग है। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। और हाइब्रिड सपोज कीजिए हम इसकी एनर्जी ये को फर्स्ट ए स्ट्रक्चर की मान रहे हैं 100 और इसकी मान लेते हैं 102 और इसकी मान लेते हैं 105 सी की। थ्री स्ट्रक्चर्स हमने बनाए और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो ये है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब जो हाइब्रिड बनेगा इन सब के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। जो जितना स्टेबल मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा। तो लेकिन जो हाइब्रिड बनेगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा उसकी एनर्जी, हाइब्रिड की एनर्जी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे कम जिसकी एनर्जी होगी उनका डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग मिनिमम एनर्जी दैट विल बी कॉल्ड रेजोनेटिंग एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी वो डिफरेंस है जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और सारे स्ट्रक्चर्स में जिसकी एनर्जी सबसे कम है लीस्ट एनर्जी का डिफरेंस निकाला जाएगा। मान लीजिए रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी 107 है तो 107 तो हाइब्रिड की एनर्जी हुई और सबसे कम है 100 तो 107 माइनस 100 लेंगे तो 7 जो आएगा वो आपकी रेजोनेंस एनर्जी बोली जाएगी। और रेजोनेंस एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो मालिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। स्टूडेंट्स दूसरी बात ये है कि रेजोनेंस से हम बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर किसी एटम की रिलेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो आप इस फार्मूले का यूज करके 0.208 अंडर रूट रेजोनेंस एनर्जी इस फार्मूले का यूज करके उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, किसी कंपाउंड की रिएक्शन या रिएक्शन की मैकेनिज्म को सीखने के लिए रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जैसे आपने एक स्ट्रक्चर और बना रहे हैं N2O का, तो N डबल बांड O और ये O, N डबल बांड N, ट्रिपल बांड N कर लीजिए, ये हो गया आपका एक माइनस चार्ज यहाँ लगा दिया, यहाँ प्लस चार्ज, ये एक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर आप बना सकते थे इसका रेजोनेंस N डबल बांड O, ये दो स्ट्रक्चर्स आपके बन रहे हैं। तो आप
बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज निगेटिव पे है, ये बॉन्ड लंब, इसमें दो बॉन्ड होंगे, एन एन के बीच की बॉन्ड छोटी होगी और एन ओ की बॉन्ड बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस और रेजोनेंस से जो भी डाउट हो वो आप मेरे से डिस्कस करेंगे और लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो फिर ऑफलाइन क्लासेस में इसको दोबारा से स्टडी करेंगे। ओके, गुड बाय।